हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुक विद शिवम में। दोस्तों आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उससे आप लोगों की बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब गर्मी का सीजन आता था और गर्मी की छुट्टियां लगती थी, तो जब हमको 1 या 2 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी तो हम उसकी खाते थे कुल्फी। तो दोस्तों वो जो सड़क में कुल्फी मिलती थी ना ठेले वाली स्टाइल में, आज मैं वही कुल्फी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और बहुत ही सिंपल रेसिपी के अनुसार। उसके लिए कुछ नहीं करना, सब घर का सामान चाहिए, लॉकडाउन में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुल्फी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो दूध। तो दोस्तों भैंस का ही दूध हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, गाय का दूध इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, कुल्फी उतनी अच्छे टेक्सचर की बनेगी नहीं, पतली पतली सी कुल्फी बनेगी। तो भैंस के दूध का इस्तेमाल करें। लगभग 1/2 से 3/4 कप के आसपास शक्कर लिए, 5 से 6 बादाम, लगभग 4 इलायची, 5 से 6 केसर के स्ट्रैंड्स, ये ऑप्शनल है, मैंने कलर और फ्लेवर के लिए डाले हैं, 4-5 अखरोट, 4 से 5 काजू और लगभग 8 से 9 पिस्ता। तो पिस्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिस्ता को मिस ना करें। बाकी आप चाहें तो कुछ इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा आपके पास में जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, तो आप लोग भी ऐसा ही पैन लें जिसका बहुत ही बड़ा सर्कमफेरेंस है, क्योंकि क्या होगा हमको दूध को उबालना है काफ़ी टाइम तक, जब तक वो 1/3 नहीं रह जाता। तो आप छोटे मुंह का ले लेंगे ना दोस्तों तो बहुत मेहनत होगी आपको और बहुत टाइम लग जाएगा दूध को कढ़ाने में। तो इसलिए एक बड़े मुँह का बर्तन लें ताकि आपका दूध जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सबसे पहले बर्तन में पानी लेते हैं, तो उसका मैं आपको रीज़न देता हूँ कि वो पानी क्यों लेते हैं। क्योंकि उनका जो पैन होता है ना वो काफ़ी गर्म होता है, तो जब आप दूध को डायरेक्टली गर्म पैन में डाल देंगे ना तो दूध नीचे चढ़ जाता है। तो उसके लिए अगर आपका पैन गर्म है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, वहीं अगर आपका पैन ठंडा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट दूध भी डाल सकते हैं बर्तन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मेरा दूध एक बड़ी कढ़ाई के अंदर ले लिया है और इसके बाद मैं इसको फुल गैस के ऊपर पकाऊंगा जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे दूध के अंदर उबाल आ गया है और अभी मैं गैस को कर दूंगा कम, और दोस्तों इसको मेरे को कढ़ाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी 1/3 नहीं रह जाती। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी टाइम लगेगा, करीब 1/2 से 1.5 घंटा डेफिनेटली लगेगा आपको अगर आप फुल गैस पे बनाते हैं तो, और वहीं अगर आप मेरी तरह कम गैस पे बनाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को डेफिनेटली लगने वाला है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कम गैस पे ही बनाएं, क्योंकि जो कम गैस पे दूध कड़ता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप लोगों ने बाज़ार में कढ़ाई वाला दूध पिया होगा, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है, वहीं अगर आप फुल गैस में पकाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। साथ में दोस्तों उबालते उबालते इसके साइड में मलाई लगती जाएगी, उस मलाई को कंटिन्यूसली निकालते रहें। जब हमारे दूध की कंसिस्टेंसी लगभग आधी रह जाएगी तब इसके अंदर हम मिलाएंगे शक्कर। ध्यान रहे दोस्तों शक्कर इनिशियली नहीं मिलानी है, शक्कर आपको तभी मिलानी है जब आपका दूध आधा रह जाता है। शक्कर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा शक्कर डाल दें, कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लें, दूध को चख के देख लें एक बार, उसके बाद शक्कर अपने हिसाब से मिला दें, साथ साथ साइड से मलाई भी निकालते रहें। अभी देखिए दोस्तों लगभग हमारा दूध 1/3 और 1/2 के बीच में रह गया है और अभी इसके अंदर डालने का टाइम आ गया है इलायची। तो जो इलायची मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसको मैंने अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लिया है और उस कूटी हुई इलायची को मैंने इस दूध के अंदर मिला दिया है। जैसे ही आप इलायची मिलाएंगे वैसे दोस्तों आप लोगों के मुँह में पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें से, इतना अच्छा अरोमा आएगा। अब इसके अंदर दोस्तों टाइम आ गया है मिलाने का ड्राई फ्रूट्स। तो जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे उसमें से लगभग आधे मैंने इमाम दस्ते में डाल के कूट लिए हैं, ज़्यादा नहीं कूटना है दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा सा कूटना है ताकि आइडेंटिफाइबल रहें कि हमने कौन सा ड्राई फ्रूट डाला है। और जब दोस्तों इसको आप खाएंगे ना कुल्फी को और ये मुंह में आएंगे आपके तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, तो इसलिए इसका पाउडर नहीं बनाएं, इसको हल्का हल्का कूटें। और जैसे ही आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वैसे ही आप देखेंगे कि आपके दूध की कंसिस्टेंसी और ज़्यादा डेंस हो रही है। अब दोस्तों जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने आधा आधा काट लिया है और वो ड्राई फ्रूट्स को इसमें मैं मिला दूंगा। तो दो भाग में मिलाने से क्या होगा दोस्तों, एक तो कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स जब आप कुल्फी को खाएंगे तो हल्के हल्के मुँह में आते रहेंगे और ये बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स आएंगे तो आपकी कुल्फी को बहुत ही रिच टेक्स्चर देंगे। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको दो भाग के अंदर ही दूध में मिलाएं, एक साथ सारे ड्राई फ्रूट्स कूट के ना मिलाएं, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स मिलाए थे तो देखिए मेरा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे गैस एकदम मिनिमम करके कंटिन्यूसली हिलाते रहें। दोस्तों करीब ड्राई फ्रूट्स डालने के 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर अभी हम डालेंगे केसर। तो जो केसर है वो ऑप्शनल है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन केसर डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है दूध के अंदर और फ्लेवर भी आता है। तो केसर डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली हम स्टर करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक।
और ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध लगभग डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों ध्यान रखने का, और वो ये है कि आप लोगों को दूध को 1/3 से ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है। अगर आप लोगों ने 1/3 से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया ना दोस्तों, तो वो रबड़ी बन जाएगी और उसके बाद आप उसको कितना भी जमा लें वो जमेगा नहीं फ्रिज के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखें, मेरी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें कि मैंने किस कंसिस्टेंसी पे आप लोगों को सिखाया है, उसी कंसिस्टेंसी पे दूध को फ्रिज में जमाएं। और जितनी भी मलाई साइड में लग रही है आपकी कड़छी पे है, वो सब मलाई को निकाल के एक चम्मच से आपके दूध में मिला दें। ये मलाई बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट टेस्ट देगी इसको जब आप इसको खाएंगे। अब दोस्तों इसको हम लगभग 2 से 3 घंटे तक ठंडा होने देंगे, और ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी का स्पेशल ध्यान रखें। मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ कि आपको किस कंसिस्टेंसी पे इसको रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 2 से 3 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी कंसिस्टेंसी क्या है। आप लोगों को बस इसी कंसिस्टेंसी पे रोक देना है। वहीं अगर आप लोग रबड़ी खाना चाहते हैं तो चलने दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर कप्स और स्टील के कप का इस्तेमाल किया है। पेपर कप में कुल्फ़ी जमाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मेहनत का काम नहीं है। वहीं स्टील के कप में अगर आप कुल्फ़ी जमाते हैं तो थोड़ी उसके अंदर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को इन दो तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास में एल्यूमिनियम के मोल्ड्स हैं तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम हमारे कप्स के अंदर पोर कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे सारे कप्स रेडी हैं, और देखिए 1 लीटर दूध के अंदर मेरी कितनी सारी कुल्फ़ी बनी है। तो उसी हिसाब से आप अपना थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं अंदाज़ा कि आप लोगों को कितनी कुल्फ़ी बनानी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो ये है कि जो हमारे आइसक्रीम के कप्स हैं उसको हमको पेपर फॉइल से ढकना है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है दोस्तों, जो हमारा फ्रीज़र होता है ना उसका टेम्परेचर होता है बहुत कम, और जब आप बाहर से उसके अंदर कोई भी सामान डालते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी पानी की लेयर आ जाती है, और जब वो जमती है तो वो आइस बन जाती है। तो जब भी आप अपनी जमी हुई चीज़ खाएंगे ना तो आपके मुँह में आइस आएगी, वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगी। इसलिए आप अपनी कुल्फ़ी को ढक दें, या तो आप एल्यूमिनियम फॉइल से ढक सकते हैं, या आपके पास प्लास्टिक का सेलोफेन पेपर है उससे ढक दें, कोई सी भी पेपर से ढक दें बस इसको। अब दोस्तों इसको हम कर देंगे धागे से रैप। तो धागे से रैप नहीं करना चाहते आप लोग तो आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं, बट दोस्तों मैंने यहाँ पे धागे से रैप किया है क्योंकि जो पेपर कप्स होते हैं उसके ऊपर अगर आप रबर बैंड लगा देंगे ना तो वो पिचक जाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं वो। तो इसलिए आप कोई से भी अपना सिंपल सूती धागे से सारे एल्यूमिनियम फॉइल्स को सील कर दें। अब दोस्तों इसके अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसमें हम करेंगे छोटा सा छेद, ताकि इसके अंदर हम डाल पाएँ हमारी आइसक्रीम स्टिक। अगर आप लोगों के पास में आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप लोग सिंपल चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चम्मच होती है उसको उल्टा करके आपके कप्स में डाल दें। चम्मच का अगर नहीं आपको सही लग रहा है तो आप जो अपना फ़ोर्क होता है वो फ़ोर्क भी डाल सकते हैं, बल्कि फ़ोर्क से और अच्छी ग्रिप आती है एज़ कम्पेयर टू स्पून। अगर फ़ोर्क भी नहीं है आप लोगों के पास में तो घर में दोस्तों चक्कू होगा, वो चक्कू को डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे कुल्फ़ी के कप्स रेडी हैं, और अब इसको हम जमा देंगे फ्रिज के अंदर लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। तो लगभग दोस्तों 10 से 12 घंटे हो गए हैं और हमारी कुल्फ़ी जम के तैयार है। तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि हमारी कुल्फ़ी का टेक्सचर कैसा आया है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है कुल्फ़ी, और अब आप लोगों को पता चलेगा पेपर कप में जमाने के लिए मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि पेपर कप से कुल्फ़ी निकालने के लिए बस खाली पेपर को फाड़ दिया और हमारी कुल्फ़ी रेडी है। है ना बहुत इजी दोस्तों, देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया कुल्फ़ी जमी है, और ये साइज़ में थोड़ी छोटी है क्योंकि मेरे पास छोटे पेपर कप्स थे। ये मैं दे देता हूँ मेरी वाइफ को क्योंकि मेरे को तो खानी है बड़ी वाली। तो अब इसके ऊपर से भी धागा निकाल लेंगे। पर फॉइल हटा लेते हैं, और अब इसको हम डाल देंगे एक बड़े बर्तन के अंदर जिसमें मैंने पानी भर रखा है उसमें। तो पानी से क्या होगा दोस्तों, जो अंदर की थोड़ी कुल्फ़ी है वो हल्की हल्की से मेल्ट हो जाएगी। अब पानी से निकालने के बाद इसको अपने दोनों हाथों के बीच में आपको रब करना है, ताकि जो आपके हाथ की हीट है वो हीट से अंदर की कुल्फ़ी मेल्ट होगी और वो कुल्फ़ी थोड़ी ईजिली बाहर आ जाएगी। आप लोगों ने ये स्टेप करते हुए ठेले वालों को देखा ही होगा। ये देखिए हमारी कुल्फ़ी आ गई है बाहर, और कितनी बढ़िया लग रही है, फर्स्ट क्लास कुल्फ़ी जमी है दोस्तों, वो भी घर में एकदम प्योर हाइजीनिक तरीके से जमाई गई कुल्फ़ी। तो आइए इसको अब कर लेते हैं प्लेट। प्लेटिंग के लिए दोस्तों मैंने एक सिंपल कांच के बर्तन का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर कुल्फ़ी रख दी है, और उसके ऊपर मैं डालूँगा थोड़ा सा पिस्ता।
और साथ में डालूंगा थोड़ा सा केसर, लगभग 2 से 3 स्ट्रैंड्स। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि प्लेटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है, और मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि प्लेटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। अगर आप अभी ये कुल्फ़ी किसी भी आपके मेहमान को खिलाएंगे, उनके मुंह से सिर्फ वाह 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 ही निकलेगा। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले कि हम इस रेसिपी को टेस्ट करें, मेरी आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, इसलिए मैं ये श्योर हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि आप लोगों के इस छोटे से स्टेप से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है, एकदम ऑथेंटिक ठेले वाली कुल्फी का टेस्ट आ रहा है। जो हम बचपन में 2 रुपए की कुल्फी खाते थे, ठेले वालों के पीछे भागते थे, आजकल के बच्चों की जनरेशन तो उस चीज से परे है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ये बिल्कुल वैसा ही है और उससे भी बेहतरीन है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को घर में बनाइए, सब घर के इंग्रेडिएंट्स है, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।